एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैक्रोनी की इजी रेसिपी, और जिसे हर कोई खाना पसंद करता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक कटोरे में ली है थोड़ी सी मैक्रोनी, और इसमें मैं डालूँगी गर्म पानी। आपको गर्म पानी यूज़ करना है, और मैं डालूँगी नमक, ताकि उबलते हुए हमारा नमक अच्छे से मैक्रोनी में मिल जाए, इसका मैक्रोनी में नमकीन टेस्ट आ जाए। और मैं थोड़ा सा डालूँगी ऑयल, ऑयल डालना है ताकि हमारी मैक्रोनी आपस में चिपके नहीं। अब इसको हमने उबालना है, और इसको हम तब तक उबालेंगे जब तक हमारी मैक्रोनी पूरी तरह से, इसको नहीं पकाना है जब तक हमारी मैक्रोनी आधी ना पक जाए, आधी से ज़्यादा मतलब 80% इसको कुक करना है। पूरा कुक नहीं करना है, क्योंकि फिर इसको बाद में भी हम थोड़ा सा पकाएंगे तो ये ओवर कुक हो जाएगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी खाने में। तो ये देखिए, ये हमारी मैक्रोनी अच्छे से उबल गई है, अच्छे से ये टूट रही है। तो यहाँ पर इसको मैंने इस तरह से स्ट्रेनर में धोया है। आपके पास इस तरह का कोई बर्तन होगा तो इस तरह से उसको धोइए। और ऊपर से मैंने खोल दिया है ठंडा पानी, और इसको अच्छे से मैंने धो लिया है। ऐसा करने से हमारी मैक्रोनी आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकती हैं, ये अलग अलग रहती हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, ऑनियन लिया है, टोमेटो ली है, और कैप्सिकम ली है, और थोड़ी सी मैंने ग्रीन चिली यहाँ पर काट ली है। और मैं यहाँ पर ग्रीन चिली ले रही हूँ, क्योंकि बच्चों को रेड चिली ज़्यादा नहीं, रेड जो पाउडर है वो ज़्यादा नहीं बच्चे खाते हैं, तो ग्रीन चिली वो चलो अलग निकाल सकते हैं। तो मैंने लिया है टोमेटो सॉस, सिरका, और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लिया है चिली सॉस, अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो। तो यहाँ पर मैंने तेल लगा दिया है गरम करने को। इसमें मैंने डाल दिया है ऑनियन, तो ऑनियन को आपने थोड़ा सा फ्राई करना है। और इसमें मैं साथ ही डाल दूँगी शिमला मिर्च भी, और ऑनियन और शिमला मिर्च को मैं साथ ही डाल रही हूँ। बस थोड़ा सा टाइम पहले मैंने ऑनियन डाल दिया था। तो इसको आपको अच्छे से फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको आपने हाफ़ फ्राई करना है, क्योंकि ये दोनों मैक्रोनी में हाफ फ्राई ही अच्छे लगते हैं। इसको आप ओवर कुक करेंगे तो हमारी ना ही शिमला मिर्च का अच्छा टेस्ट आता है, ना ही ऑनियन का अच्छा टेस्ट आता है। तो आप देख सकते हो, ये हाफ़ फ्राई हो चुके हैं, और इसमें मैं डाल रही हूँ टोमेटो। यहाँ पर मैंने सिर्फ वन टोमेटो लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें टोमेटो सॉस डालूँगी। तो टोमेटो को आपने थोड़ा सा सॉफ़्ट करना है, जब तक ये सॉफ़्ट ना हो जाए इसको आपने हिलाते रहना है। और ये आप इसमें कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हो जो आपकी मर्ज़ी हो। तो ये तो नहीं कहूँगी मैं पास्ता मैक्रोनी हेल्दी होती है, मैक्रोनी बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती है, मगर कभी कभार चल पड़ती है, क्योंकि आजकल जो लॉकडाउन चल रहा है, आपका मन कर रहा है, बच्चों का मन कर रहा है कुछ अलग खाने का, तो आप इस तरह से इसको ट्राई कर सकते हो। इसमें वेजिटेबल डाल के इसमें थोड़ा हेल्दी वर्जन आ जाएगा। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सूखे मसाले, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा मैंने नमक डाला है। नमक हम डालेंगे ज़रूरत के अनुसार। आपने याद रखना है कि आपने पहले मैक्रोनी को उबालते वक्त भी नमक डाला था, तो हमारे टोमेटो जो हैं इसमें सॉफ्ट होने लगे हैं। इसमें मैंने डाल दिया है कोरिएंडर पाउडर। तो इस तरह से हम इसको मिलाएंगे अच्छे से, और अब इसमें हम ऐड करेंगे सॉस जो हमने सॉस लिए थे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी टोमेटो सॉस, क्योंकि हमारे टोमेटो भी पक चुके हैं थोड़े से। ये देखिए, टोमेटो सॉस इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, और इसको अच्छे से मिलाना है। हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है, आपको हाई गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सिरका, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है मैक्रोनी में। आपको सिरका बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, टोमेटो सॉस बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वेजिटेबल आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो आप खाना पसंद करते हो, आपके बच्चे पसंद करते हैं, तो वो सब आप डाल सकते हो। तो इसमें मैं डाल रही हूँ अब मैक्रोनी। ये देखिए, हमारी मैक्रोनी बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपकी हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटी हैं। अगर उबालते वक्त इसको आप ओवर कुक करोगे तो ये इस वक्त टूट जाती। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से हमने मिला दिया है मैक्रोनी को और मसालों के साथ। इसको अच्छे से मिलाना है, 2 मिनट के लिए इसको फिर से कुक करना है। और ये देखिए, हमारी मैक्रोनी एकदम रेडी हो गई है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, आपको और आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो एक रिक्वेस्ट और, प्लीज़ विदाउट स्किप किए मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें। तो चलो, मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।